नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। यूपी में गैंगरेप के बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ी, जीभ काट दी, 15 दिन इशारों में बात करने के बाद दम तोड़ दिया। इस बार जगह उत्तर प्रदेश का हाथरस जिले की घटना है, जहां दरिंदों ने हैवानियत की हदें पार कर दी। घटना 14 दिसंबर की है। चार नर पशुओं ने पहले पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बरबत्ता यही नहीं थमी, उसकी जीभ तक काट दी। उसी के दुपट्टे से गला दबाकर मारने की कोशिश की गई और उसे मर्द समझकर खेत में बेहोश छोड़कर फरार हो गए। उसके गले में 3 फ्रैक्चर आए। 15 दिन तक पीड़िता इशारों में अपना सहनीय दर्द बयां करती रही और आखिरकार मंगलवार सुबह 3 बजे जिंदगी की जंग हार गई। बीते 22 दिसंबर को अस्पताल में जब उसका बयान लिया गया तो वह आप भी वह मुश्किल बयां कर सकी। चारों दरिंदों संदीप, रामू, लव, कुश व रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब हमारे संवाददाता ने पीड़िता के पिता से बात की तो बेटी का नाम आते ही रो पड़े। चेहरा मास्क से ढका था, आंखों में दर्द और डर दिख रहा था और कहने लगे, यह लोग गांव के दबंग हैं जिन्होंने मेरी बेटी से दरिंदगी करने से पहले मेरे पिता से भी मारपीट कर चुके हैं और उनकी उंगलियां तक काट दी। हमें डराते धमकाते रहते हैं, हम हमेशा बर्दाश्त करते हैं और सोचते हैं कि जाने दो, लेकिन अब इन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार किया है, इन्हें हमें फांसी की सजा देनी चाहिए।